बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज़ द लैंग्वेज प्लानिंग एंड इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, हाउ दिस लैंग्वेज इज प्लान्ड और हाउ इज लैंग्वेज प्लान्ड, व्हाट आर द स्टेजेस दैट वी हैव एंड हाउ दिस स्टेजेस will help us to make a planning for a language. For these reasons, we have four different stages that may help us to make a plan for any language. The first one, selection. In selection, we will learn about how we select a language and which language that we want to select. And codification, at second level, in the second stage, I will talk about the codification, what is a codification and how this codification help us to make a plan for a language. At third stage, we will know about modernization, the basic concept of modernization and how this modernization is helpful in planning language. At fourth stage, that is known as implementation, and at that level or at that stage we learn about how the things is being implemented in language planning. Let's move forward. What's the first one? That is selection. Selection is a process where we select a language that may be considered as an official language and the language that may be considered as a language of education and the different purpose. If a language is not considered as an official or the institutional language, so we can never ever make that language in the process of storing, or we can never ever consider that language that language as a stored language or the language that we want to plan. जब तक हमारे पास sourcing नहीं होती, या आप कह लें कि जब तक हमें कोई language की official या educational signals नहीं मिलते, तो हम उस language को select भी नहीं कर सकते. Selection के लिए ज़रूरी है कि हम उस language को select करें या उस language को select करें जो इस लायक है, इस काबिल भी है, उस capacity में है कि वो उसे ऑफिशियली उस कंट्री के अंदर उसे प्रमोट किया जा सके और उसे एजुकेशनली भी वो कंसिडर की जा सके. अगर एक लैंग्वेज है जो बिल्कुल डेड लैंग्वेज के तौर पर कंसिडर की जा रही है, तो उस डेड लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते, या हम उस डेड लैंग्वेज को एक इंस्टीट्यूशनल में या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव वेरी लेस स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज. अगर हमारे पास उसके स्पीकर बहुत कम होंगे, तो हाउ कैन वी मेक इट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हम उसे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते. तो इट्स मीन अगर हमें उस लैंग्वेज की सिलेक्शन करनी है, तो कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ लैंग्वेज दैट इट मस्ट बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड बाय द मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी एंड इट मस्ट बी इन अ पोजिशन टू मेक इट इन इन मेक इट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज. अगर वो लैंग्वेज ही इस पोजीशन में नहीं है कि उसे ऑफिशियल या एजुकेशनल ज़ुबान के तौर पर यूज़ किया जा सके, तो फिर हमें उस लैंग्वेज को सिलेक्ट भी नहीं करना. अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका पर्पस ये है कि हम फिर एक अच्छी जो है प्लानिंग है वो नहीं कर सकते. उस लैंग्वेज को प्लान हम कैसे कर सकते हैं जो लैंग्वेज पहले ही आप कह लें कि डेड होने जा रही है या डेड हो चुकी है. दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास. एक तो वो है कि अगर वो डेड होने जा रही है, तो फिर चांसेस हैं कि उसके बारे में प्लानिंग हो सकती है. लेकिन अगर वो लैंग्वेज ही बजाते खुद एक डेड है, जस्ट चंद एक स्पीकर उसके बाकी हैं या रिमेनिंग हैं, तो उन चंद एक स्पीकर्स के जरिए हम पूरी कम्युनिटी को टीच नहीं कर सकते या पूरी कम्युनिटी उनके अकॉर्डिंगली हम चेंज नहीं कर सकते. हाँ, अगर 50% या 40% है, तो फिर हम उसे सर्वाइव करने की प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि जो स्पीकर बच गए हैं वो अपने अकॉर्डिंगली या अपने बकिया स्पीकर्स को प्रमोट कर सकें, ताकि लैंग्वेज वो ज़िंदा रह सके, ताकि वो लैंग्वेज जो है वो आगे प्रमोट हो सके. तो जब सिलेक्शन करनी है लैंग्वेज की ऑफिशियली,
तो हमें उस लैंग्वेज के नॉर्म्स को, कस्टम्स को, एजुकेशन के कस्टम्स को और उस ऑफिशियल लैंग्वेज के कस्टम्स को सामने रखते हुए लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है ताकि हम उसे एक अच्छी प्लानिंग उसे दे सकें। फिर एक सेकंड स्टेज होती है जब हम अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू कोडिफाई दैट वी हैव टू कोडिफाई दैट लैंग्वेज। तो हम उसे किस तरह से कोडिफिकेशन करते हैं उसकी, या किस तरह से उसकी प्लेसमेंट बनाते हैं, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। खैर, इम्प्लीमेंट तो हम लास्ट स्टेज पे देखते हैं। तो कोडिफिकेशन मतलब हमें वो देखना है कि उसकी किस तरह से हम ग्रामर को लेके चलेंगे, या किस तरह उसकी प्रोनंसिएशन को लेके चलेंगे, उसकी वोकैब कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, या नॉर्म्स, या हम आप कह लें कि उसके लिए जो सेट करने लगे हैं वो कहाँ से हम यूटिलाइज़ करेंगे, तो किस तरह से हम कोडिफिकेशन करते हैं। तो लिहाजा जब हम लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कोई मीडियम हमें चाहिए होता है नेशनली और इंटरनेशनली कम्युनिकेशन के लिए। द चूजन लैंग्वेज नीड्स टू बी डेवलप्ड टू मीट द डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन इट एज ए मीडियम ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो जब कोडिफिकेशन करनी है तो हमें ये उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो डिमांड है नेशनल सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे कम्युनिकेशन करने के लिए, या बाकी पर्पसेस के लिए, जैसे रिटन मटेरियल हो सकता है बुक्स की शक्ल में या एजुकेशन की शक्ल में, तो हमें ये सामने रखना है इस माइंड को कि हम कोडिफाई कर रहे हैं जब लैंग्वेज को, तो हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सामने रखनी है कि रिक्वायरमेंट में हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। कहता है जी, अगर एक जैसे कि एक लैंग्वेज है, इफ़ द लैंग्वेज हैज़ प्रीवियसली एग्जिस्टेड ओनली इन स्पोकन फॉर्म और इन एन अनयूजुअल रिटन राइटिंग सिस्टम, एन अल्फाबेट विल हैव टू बी डिवाइज्ड अलॉन्ग विद रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। अगर एक लैंग्वेज स्पोकन में पाई जाती है लेकिन रिटन में नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब है हमें उसकी कोडिफाई करने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसकी रिटन मटेरियल के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स को डिसाइड करना है, उसके अल्फ़ाबेट्स के साथ उसकी रूल्स किस तरह बनेंगे, स्पेलिंग रूल्स उनको डिसाइड करना है, फिर उसकी प्रोनंसिएशन को हमें डिसाइड करना है। इट्स मीन कि हमें उसे हर लिहाज से देखना है कि उसकी कोडिफिकेशन में कोई कमी ना रह जाए। अगर कोडिफिकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो लैंग्वेज की जो प्लानिंग है, या लैंग्वेज आइंदा आने वाले नियर फ्यूचर में, वो लैंग्वेज अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो सकती, उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी। एन अर्ली एम विल बी कोडिफिकेशन ऑफ द प्रोनंसिएशन। ये पहला पर्पज़ जो होता है किसी भी लैंग्वेज को, सबसे पहले स्टेप पर हम उसकी प्रोनंसिएशन को कोडिफाई करते हैं। फिर उसको जब प्रोनंसिएशन कोडिफाई हो जाती है तो फिर हम उसकी मीन के स्पेलिंग्स की तरफ आते हैं। स्पेलिंग्स जब कोडिफाई हो जाते हैं हमारे, तो आप कह लें कि स्पेलिंग्स फर्स्ट स्टेप पे हम कोडिफाई करते हैं, फिर उसकी प्रोनंसिएशन को हम लेके आगे बढ़ते हैं, और प्रोनंसिएशन के साथ फिर हम उसकी ग्रामर की तरफ पलटते हैं कि किस तरह इसके अंदर वर्ब्स होंगे, या किस तरह उसकी अरेंजमेंट होगी, सेट पैटर्न क्या होगा, सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, या आप कह लें कि फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होगा किसी भी सेंटेंस का, क्या सब्जेक्ट पहले आएगा, वो पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। दैट वी नो वेरी वेल अबाउट दैट देर इज देर देर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इंटाइटल करती हैं, तो लिहाजा हमें भी जब वो लैंग्वेज की हम प्लानिंग करने जा रहे हैं तो हमें ये बात ख़ास तौर पर सामने रखनी है कि जब हम उसकी ग्रामर की बात करने लगे हैं तो इसमें हमें उसके सिंटेक्स की बात करनी है। सिंटेक्स मतलब कि सेंटेंस की बात करनी है, तो सेंटेंस में हमें उसकी आप कह लें उसके पार्ट्स की बात करनी है, सेंटेंस के एलिमेंट्स की बात करनी है, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए एक सेंटेंस के अंदर, या उसके पार्ट्स कितने होने चाहिए, उन पार्ट्स की अरेंजमेंट क्या होगी। इस तरह से जैसे कि मैं कहना आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि हमें समझते हैं इस लैंग्वेज को और हम इसे जानते भी हैं और हम पढ़ भी इसी को लैंग्वेज को रहे हैं, तो हमें पार्ट से मुराद ये है कि सेंटेंस के जैसे दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो हमें जब कोडिफिकेशन करनी है किसी लैंग्वेज की, तो हमें वहाँ पर जब ग्रामर की बात करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई इसकी इस लैंग्वेज का जो जुमला है उसके हम कितने पार्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप कह लें कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये दो पार्ट एक जुमले के अंदर होते हैं जिसे हम प्रेडिकेट के तौर पर कंसिडर करते हैं वर्ब को। फिर उसके एलिमेंट अगर हम डिसाइड करते हैं तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस के हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब होता है, फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, इसके साथ साथ हमारे पास आपके लिए ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर हमारे पास एडवर्बियल होता है, एडवर्ब्स जिसे हम कंसिडर करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास एक सेंटेंस में होते हैं। तो जब हम कोडिफिकेशन करेंगे लैंग्वेज की या लैंग्वेज के बारे में, तो हमें ये बात क्लियरली इंडिकेट करनी चाहिए या अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर हमें उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को देखना है ग्रामर के लिहाज से। फिर हमें ये भी देखना है कि हम किस तरह से वोकेबलरी प्रोवाइड करेंगे उसकी,
वोकैबरी को हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे, या उसके वोकैबरी के नॉर्म्स कैसे बनाएंगे, उसका उसे हम स्टैंडर्डाइज किस तरह से करेंगे, या किस तरह से हम उसे लोकल सोसाइटी के अंदर या किस तरह प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर वेरिएशंस कौन कौन सी आएंगी, या उन वेरिएशंस को हम चेंजेस किस तरह से करेंगे, या फिर वो जो वेरिएशंस आ रही हैं उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है या हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये सारी कोडिफिकेशन जो है हमें एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी ब्रॉड माइंड के साथ थिंकिंग के साथ हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेज की तरफ। तो स्टेज हमारे पास जो है वो मॉडर्नाइजेशन है। तो फिर मॉडर्नाइजेशन जो है ये बेसिकली किस तरह से हम इसे क्लियर करते हैं, मॉडर्नाइजेशन से मुराद क्या है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेजेस में। यहाँ से मॉडर्नाइजेशन से मुराद ये नहीं है कि हम किस तरह से चीज़ों को मॉडर्न करते हैं, डेवलप करते हैं, आप कह लें कि हम जो मॉडर्न समझते हैं फैशनेबल की सेंस में, ये वो फैशनेबल की सेंस नहीं है, ये मॉडर्निज्म मॉडर्न की सेंस में है, डेवलपमेंट की सेंस में है, किस तरह हम चीज़ों को डेवलप करेंगे इस लैंग्वेज के अंदर। तो वोकेबरी जो होगी, द वोकेबरी विल नीड टू बी मॉडर्नाइज टू एनेबल फॉरेन मटेरियल टू बी ट्रांसलेटेड कॉन्स्टेंटली। आप कह रहे हैं कि हम अच्छी तरह समझते हैं, वी नो वेरी वेल दैट वी कैन नेवर एवर हैव ऑल द आस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इन वन लैंग्वेज। हम एक जुबान में सारे यूनिवर्स के कायनात के आस्पेक्ट को इंटाइटल नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, सम वर्ड्स दैट आर बिलोंग टू जस्ट सम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस एंड सम आर नॉट। कुछ होते हैं जो बस एक कुछ चंद एक जुबानों में ही स्पेसिफाई किए जाते हैं, वो दूसरी जुबानों में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर हमें उसकी रिप्लेसमेंट लेने के लिए या उसकी सेम आप कह लें कि सेंस को यूटिलाइज करने के लिए हमें वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाउ कैन वी और इन हाउ वी डिलीवर दिस कॉन्सेप्ट और दिस आस्पेक्ट इन टू अनदर लैंग्वेज। हम इसी बात को या इसी कॉन्सेप्ट को दूसरी लैंग्वेज में किस तरह करेंगे। तो हम ये जो प्रोसेस है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का या ट्रांसलेट करने का, तो ये हमें मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिनकी बिहाफ पर हम अपनी नई टर्म्स लेके आएंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। जैसा कि एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट वी कैन नेवर एवर इंटाइटल्ड ऑल द आस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इन वन लैंग्वेज। हम एक लैंग्वेज में सारे असरात को इस कायनात के सारी चीज़ों को हम नहीं एज्यूम कर सकते कि हमारे पास इस लैंग्वेज में ये भी वर्ड हो सकता है, ये भी वर्ड हो सकता है। बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत कम वोकैब है, उनके अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें उस लैंग्वेज की वोकैब को इंक्रीज़ करने के लिए हमें फिर दूसरी लैंग्वेज से सहारा लेना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, हम इसमें यही कंसल्ट करते हैं कि किस तरह एक लैंग्वेज जिसे ज़रूरत पड़ती है दूसरी लैंग्वेजों से मटेरियल लेने की, तो वो किस तरह डेवलप किया जाएगा, उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, उनके ऊपर रूल्स कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उन्हें एग्री किस तरह किया जाएगा दूसरी चीज़ों के साथ, क्या वो लोनवर्ड होंगे या वो रूटेड होंगे। इट्स मीन हमें उनको स्पेसिफाई करने की अच्छे ज़रूरत होगी। अगर हम नहीं करते, सपोज़ हम कोई प्रिंसिपल्स नहीं बनाते लोन वर्ड के लिए या बारो के लिए तो या कोइनेज के लिए या कोई नेटिव रूट वर्ड्स के लिए, तो फिर हम हर बंदा ही अब उस लैंग्वेज के वर्ड यहाँ पर यूटिलाइज करने लगेगा जिनके रूल्स नहीं होंगे, कोई नॉर्म्स नहीं होंगे, कस्टम्स नहीं होंगे, फिर वो लैंग्वेज वो बजाय डेवलप होने के वो मज़ीद ख़राब होने लगेगी। वो अब अपना स्ट्रक्चर जो है उसका जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है वो उससे लॉस करने लगेगी। तो हमें जब मॉडर्नाइजेशन की कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज को लेके बढ़ना है आगे, तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द प्रिंसिपल एंड द रूल्स दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड ओवर द लैंग्वेज, कि हम उस लैंग्वेज की खास वी शुड मेंटेन सम प्रिंसिपल्स जस्ट इन ऑर्डर टू मेक अ लैंग्वेज मॉडर्नाइज। हमें उस लैंग्वेज को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे कि हम लोन वर्ड कैसे लेंगे, हम कोई इंग्लिश बनाएंगे तो वो किस भी हाफ पर बनाएंगे, क्या हम जब दूसरी लैंग्वेज से वर्ड उठाएंगे तो क्या उनकी ट्रांसलेटेड वर्ड लेंगे या वो कोइनेज या ओरिजिन जो रूट वर्ड होते हैं हम उनको उठाएंगे। इट्स मीन हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसका रूल बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो नया डिस्कोर्स हमें डेवलप मिलता है या जिसकी हमें डेवलप करने की ज़रूरत होती है, आप कह लें कि हमें नया डिस्कोर्स बनाना है, नए टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो हम उसे किस तरह से आगे लेके बढ़ेंगे, उसे प्रेस में किस तरह लेके जाएंगे या रेडियो स्टेशन पर किस तरह आगे बढ़ेंगे। डिसीजन जो है किसी यूजेज के बारे में या अनसर्टन यूजेज के बारे में या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में वो किस तरह लिया जाएगा। अगर कोई टेक्निकल पॉलिसीज आती है नहीं तो उसे हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, अगर कोई नॉन टेक्निकल आस्पेक्ट मिलता है हमें लैंग्वेज का तो उसे हम किस तरह लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे डिसीजंस, ये रूल्स, ये प्रिंसिपल, ये आप कह लें कि फॉरेन कॉन्स्टेंसी जो होगी या कंसिस्टेंसी होगी हमारी, ये हम मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ही बताएंगे कि हम किस तरह से इसके ऊपर
लैंग्वेज को मॉडर्नाइज करेंगे या किस तरह से डेवलप करेंगे। तो एट फोर्थ दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेशन, एट इस मरले में हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट हम किस तरह से करते हैं, जो हमने रूल्स बनाए हैं, जो हमने डेवलपमेंट की है लैंग्वेज के बारे में, उसे ऑफिशियली इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। अगर हम उसे ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर इट्स मीन के उसके बारे में एक डाउट रह जाएगा आपके लिए कि वो चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट अगर उसे उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो स्कूल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मीडिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। जब ये चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो पब्लिक तक आम नहीं पहुँचेंगी। जब वो नहीं पहुँचेंगी तो वो पॉलिसीज़ जो हमने बनाई हैं या जो जो स्टेजेस हमने आप कहने के बनाई हैं एक लैंग्वेज प्लानिंग के लिए, तो वो धरी की धरी रह जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगी। तो वो वैसे की वैसे एक थ्रेटिकल टास्क तो मिल जाएगा हमें, वो प्रैक्टिकल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। आप कह लें कि अगर हमने कोई लैंग्वेज बना ली है या उसके रूल्स बना लिए हैं, सेट नॉर्म्स कर लिए हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप कर लिए हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसे बनाना है, और मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चीज़ें बना लेते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकल नहीं लेके आते, प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, तो उस लैंग्वेज प्लानिंग का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो उसका तभी फ़ायदा होगा या हमें उसकी बेहतरी तभी नज़र आएगी जब वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। जब वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी तो फिर हम कभी भी उसे अच्छी तरह से आगे डेवलप नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंटेशन में द चोजन स्टैंडर्ड विल नीड टू बी ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग इट फॉर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस इन द मीडिया एंड इन द स्कूल्स। अभी मैं यही बात कर रहा था कि हमें ज़रूरत है जो हमने लैंग्वेज की प्लानिंग की है उसे गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट भी करवाएं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगी स्कूल्स में, मीडिया में, इंस्टीट्यूशंस में, तो वो पब्लिक तक नहीं पहुँचेंगी। जब पब्लिक तक नहीं पहुँचेंगी तो वो लैंग्वेज ऐसे ही होगी जैसे कि वो डेड ही पड़ी हुई है, उस रूल्स का, उस नॉर्म्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट विल बी व्यूड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इन द स्पीच कम्युनिटी बिकॉज इट विल बी एसोसिएटेड विद एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड सोशल स्टेटस। और ये तभी बेस्ट बनेगी जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर कंसिडर की जाएगी। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर या सोशल स्टेटस के अंदर ये कंसिडर ही नहीं की जाएगी तो वो बेस्ट नहीं बन सकती। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द नॉर्म फॉर लिटरेरी स्टाइल एंड मे बी एसोसिएटेड विद फैक्टर्स ऑफ नेशनलिस्टिक्स एंड कल्चरल और रिलीजियस काइंड। और यही चीज़ें होंगी जो, यही फैक्टर्स होंगे जो हमें मज़ीद अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करेंगे। अगर हम रूल्स बनाते हैं तो डेफिनेटली वी आर नॉट परफेक्ट। तो जब हम परफेक्ट नहीं है तो कोई खामियां, कोई एरर्स, कोई मिस्टेक्स हमारे से हमसे हो जाएंगी बनाते वक्त, तो उनको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। हमारी डेवलपमेंट जो है वो होती रहेगी, वो तभी होगी जब वो नॉर्म्स, वो कस्टम, वो ट्रेडिशन, वो कुछ सोसाइटी में पहुँचेंगे, वो रूल्स जब हमारे मुआशरे में आएंगे, लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसकी कमियाँ सामने आएंगी, फिर हम उसे रीडेवलप की तरफ आगे लेके बढ़ जाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन भी हमें अच्छी तरह से देखनी है। तो लिहाजा ये आज का जो टॉपिक था इसमें हमने स्टेजेस ही देखनी थी, फोर, और फोर स्टेजेस हमने आज डिस्कस कर दी हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।